तो महाराष्ट्र की सियासी फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा होगा शायद ही किसी ने सोचा हो। 3 दिनों पहले बनी सरकार एक झटके में गिरी और ऐसी गिरी कि सियासी नाटक का अंत ही हो गया। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी और बनते बिगड़ते सियासी समीकरणों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में इतना बड़ा यू टर्न कभी नहीं देखा गया। रात के अंधेरे में बनी बीजेपी की सरकार बामुश्किल 3 दिन ही चली और फ्लोर टेस्ट के ठीक एक दिन पहले ही पार्टी को हथियार डालने पड़ गए। अजीत पवार के दम पर बहुमत साबित करने का दावा कर रही बीजेपी का साथ पहले अजीत पवार छोड़कर चले गए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने हथियार डाल दिए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। पहले अजीत पवार का विकेट गिरा और उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी हिट विकेट हो गए। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़े ट्विस्ट के साथ ही दूसरी तरफ कल तक एनसीपी के लिए नासूर बन चुके अजीत पवार अब शिवसेना और एनसीपी को अच्छे लगने लगे। संजय राउत दिल खोलकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। अजीत दादा ने इस्तीफा दिया है, अजीत दादा हमारे साथ है। देवेंद्र फडणवीस के मैदान छोड़ने के साथ ही विपक्ष का रास्ता साफ हो चला है। मुख्यमंत्री की राह पर उद्धव ठाकरे को भेजने की तैयारी शुरू हो गई है और शिवसेना दावा करती नजर आ रही है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम बनने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार हैं। 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का वक्त दिया, लेकिन सुप्रीम फैसले के साथ ही महाराष्ट्र के नंबर गेम में जबरदस्त उथल पुथल हो गई। अजीत पवार के साथ छोड़ने के बाद ही बीजेपी के सरकार बनाने की उम्मीदें खत्म हो गई। देवेंद्र फडणवीस का किला धराशायी हो गया और मात्र 80 घंटे में बीजेपी की सरकार गिर कर रह गई। लेकिन सबके बीच कयास अब भी कायम है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 3 अलग विचारधाराओं की पार्टी सरकार कब तक बना पाएगी और बना पाएगी तो कितने दिन कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।